प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ली गई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम विविध प्रश्नावली 5 से ली गई है। 121 पेज पर 14वां प्रॉब्लम है, 14वां प्रश्न है। आज की प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है यदि एक्स माइनस आयोटा बाई इंटू 3 + 5 आयोटा -6 - 24 आयोटा की समयुग्मी है तो वास्तविक संख्याएं एक्स और बाई ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक ये व्यंजक दिया हुआ है, इस व्यंजक में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की परस्पर गुणा है और यह बताया गया है कि इसका मान जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के समयुग्मी के बराबर है, अर्थात इसके कंजुगेट के बराबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का समयुग्मी निकालने के लिए जो आयोटा वाला पद होता है उसका चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 + 5 आयोटा लिखा हुआ है तो इसका समयुग्मी होगा 3 - 5 आयोटा। यदि -7 + 11 आयोटा लिखा हुआ है तो इसका समयुग्मी होगा -7 - 11 आयोटा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आयोटा की संख्या है उसके चिन्ह बदलते हैं, वास्तविक के नहीं बदलते हैं। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है -13 - -5 आयोटा है और इसका हम समयुग्मी निकालना चाहते हैं तो -13 + 5 आयोटा होगा। यहां का चिन्ह नहीं बदला जाएगा, चिन्ह इसका बदला जाएगा। क्लियर? तो देखिए अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। हम प्रश्न की शर्त के अनुसार यह व्यंजक जो है वो इसके समयुग्मी के बराबर है। अच्छा, एक बात आपको और बताएं, जैसे मान लीजिए 3 + 5 आयोटा लिखा हुआ है और ये इसका निशान लगा दिया हमने, इसके ऊपर एक बार खींच दिया, डंडा खींच दिया, तो ये संकेत जो है, ये संकेत जो है ये बतलाता है ये 3 + 5 आयोटा का समयुग्मी है। मतलब 3 + 5 आयोटा के ऊपर जब हम ऐसा निशान बना देंगे तो इसका मतलब ये 3 - 5 आयोटा लिखा हुआ है। -7 + 11 आयोटा के ऊपर हम निशान बना देंगे, इसका मतलब ये हुआ ये -7 - -11 आयोटा लिखा हुआ है। -5 - -17 आयोटा के ऊपर निशान बना देंगे तो इसका मतलब इसका समयुग्मी तो ये हो जाएगा -5 + 17 आयोटा। क्लियर? तो अब कहने का तात्पर्य ये हमारा कि प्रश्न में यह बतलाया गया है ये वाला व्यंजक इसका समयुग्मी के बराबर है, तो ये व्यंजक इसका समयुग्मी के बराबर है तो इस भाषा को हमने हिंदी में जो लिखा हुआ था इसको गणित के संकेतों के रूप में लिख दिया। अब जैसा हमने बताया था जब इस चिन्ह को हटाएंगे या हम इसका समयुग्मी लिखेंगे तो इसका चिन्ह बदला जाएगा, तो इस पूरे के स्थान पर हम लिख सकते हैं -6 + 24 आयोटा। तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त होती है x - iota / 3 + 5 आयोटा बराबर -6 + 24 आयोटा। अब हमारे लिए x और y के मान ज्ञात करने हैं तो इसकी दो विधियां हैं यहां से, या तो ये है कि पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके गुणा करके सिंप्लीफाई करें। इस तरह से अगर हम प्रश्न को हल करेंगे तो प्रश्न हल करने में थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाएगी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए क्या किया, जिस प्रकार से समीकरणों में अगर मान लीजिए आपके 5 x = 17 लिखे हुए हैं तो x = आप लिख सकते हैं 17/5। इसी सिद्धांत के आधार पर इस संख्या को जो है हम RHS के हर में ले जाएंगे, क्योंकि यहां पर इन दो संख्याओं का गुणा है तो ये वाली संख्या RHS के हर में पहुंच जाएगी तो हमें लाइन प्राप्त हो जाएगी x - iota /
माइनस छः प्लस 24 आयोटा बटे 3 प्लस 5 आयोटा। क्लियर। हम क्या करेंगे, अब ये हमारे लिए एक भिन्न प्राप्त हो गई। इस भिन्न में ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके पहले इसको एक्स प्लस आयोटा बाई के फॉर्म में बना लेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हर में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं रहना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हर वाले के लिए समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम जो हर वाली संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की उसके समयुग्मी से हम अंश में गुणा कर देते हैं और उसके समयुग्मी से हर में भी गुणा कर देते हैं। तो इसका समयुग्मी होगा 3 माइनस 5 आयोटा, तो हमने अंश में भी इससे गुणा कर दिया और हर में भी गुणा कर दिया, तो हमें लाइन प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से, एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर माइनस 6 प्लस 24 आयोटा तो वैसे वैसे रहे और इसके समयुग्मी से गुणा करेंगे तो गुणा 3 माइनस 5 आयोटा। क्लियर। और हर में आपको प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा गुणा 3 माइनस 5 आयोटा। अब अंश में जब गुणा करेंगे हम, तो हम इसकी गुणा इससे करेंगे, तो माइनस 6 की और 3 की गुणा होगी तो माइनस 18 प्राप्त हो जाएंगे, और इसकी इसकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये, और 6 पंजे 30 आ जाएगा और आयोटा आ जाएगा। अब हम इस पद की इससे गुणा करेंगे, तो इसकी जब इससे गुणा कर रहे होंगे तो हमें प्राप्त होगा प्लस के 72 आयोटा। क्लियर। और जब इससे इसकी गुणा कर रहे होंगे तो ये प्लस माइनस की गुणा माइनस आ जाएगी, 24 और 5 की गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, और इस आयोटा की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा आयोटा स्क्वायर। ये तो हमें अंश में प्राप्त होगा। हर में ये इसमें फार्मूला लगा दिया, जैसा आप जानते हैं एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी की गुणा होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो हर में हमें प्राप्त हो जाएगा इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस, या आप यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, आयोटा का स्क्वायर ये लगा दिया हमने। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए माइनस के 18 तो ये वैसे के वैसे रह जाएंगे, 30 आयोटा ये प्लस के हैं और 72 आयोटा ये प्लस के हैं, इन्हें जब जोड़ा जाएगा तो हमें फल प्राप्त होगा 102 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर के स्थान पर माइनस 1 आएगा, और इस माइनस 1 की इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा, हमें फल प्राप्त हो जाएगा 120, और हर में इस 3 का वर्ग करेंगे 9 प्राप्त हो जाएगा, इस आयोटा के स्थान पर आएगा माइनस 1, माइनस 1 की इससे गुणा करेंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा 25 ये प्राप्त हो जाएगा। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अंश में आपके माइनस 18 ये लिखे हुए हैं और ये लिखे हैं 120 प्लस के, ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं में जोड़ते हैं, काल्पनिक संख्याओं को काल्पनिक संख्याओं में जोड़ते घटाते हैं, तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी 102, 120 प्लस के हैं और 18 माइनस के हैं, और ये काल्पनिक संख्या जो है 102 आयोटा वैसा का वैसा लिख जाएगा। हर में हमें प्राप्त हो जाएगा इन दोनों का जोड़ 9 प्लस 25 का जोड़ प्राप्त हो जाएगा 34। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं यदि मान लीजिए a प्लस बी बटे सी लिखा हो तो ऐसे हम लिख सकते हैं a बटे सी प्लस बी बटे सी, आपको हम कई बार बता चुके हैं, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम 102 बटे 34 प्लस 102 बटे 34 आयोटा। क्लियर। और ये LHS में आपका x माइनस आयोटा वाई आई रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे लिए अंत में प्राप्त हो जाता है x माइनस आयोटा वाई बराबर 102 बटे 34 प्लस 102 बटे 34 आयोटा। अंश और हर में जो ये संख्याएं हैं, अंश में जो 102 है वो हर वाले 34 से पूरे पूरे विभाजित हो जाएंगे, इसलिए इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमें 3 यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, और इसी प्रकार से 3 हमें यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त होता है x माइनस आयोटा वाई बराबर 3 प्लस 3 आयोटा। अब ये भी हमारी x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखी हुई है संख्या, और ये भी लिखी हुई है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों बराबर हैं, तो यदि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले का आर वास्तविक पद दूसरे वाले के वास्तविक पद के बराबर है, और काल्पनिक पद
काल्पनिक पद के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ये वास्तविक पद तो इसके बराबर हो जाएगा, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा x बराबर 3, और जब हम इससे तुलना कर रहे होंगे तो हमें फल प्राप्त होगा माइनस के y बराबर 3, और इस समीकरण को आप माइनस से गुणा कर दीजिए तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा y बराबर माइनस 3। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई माइनस 3। क्लियर? तो अब आप ये समझने का प्रयास कीजिए ये हो क्या रहा है प्रश्न के अंदर। प्रश्न को हल करते समय सभी नियमों को आप भली प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए, और नियमों को समझते हुए प्रश्न को करिए, आपका कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं जाएगा। आज का प्रश्न पूरा हो जाता है, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।